दुनिया का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है, वो क्या है जो आपको हर वक्त पुश करेगा, जो आपको बार बार याद दिलाएगा कि ऐसे नहीं बैठ सकते खाली, कुछ कर। वो क्या ऐसी चीज है जो कि हमारे अंदर की पावर को जगाएगी। आखिर सबसे बड़ा मोटिवेशन है क्या? क्या वो पैसा है, क्या वो नेम है, क्या वो फेम है, क्या वो ब्रेकअप है? नहीं, इनमें से कुछ भी नहीं। सबसे बड़ा जो मोटिवेशन है, सबसे बड़ा दुनिया का, इससे बड़ा मोटिवेशन कुछ हो ही नहीं सकता, वो है आपके हालात, आपकी सिचुएशन, आपकी फैमिली की सिचुएशन। ये चीज आपसे जो करवा सकती है ना, दुनिया की कोई पावर आपसे नहीं करवा सकती। पैसों का लालच आपसे वो नहीं करवा सकता जो पैसों की कमी आपसे करवा सकती है। आपका मन करता होगा ना कभी कभी कि खरीद लूं, लेकिन सिर्फ पैसों की वजह से ख्वाहिशों को मारना पड़ता है। मन करता होगा ना कि ये खा लूं, लेकिन फिर पैसों की वजह से मुंह मोड़ना पड़ता होगा। सोशल मीडिया पर आप दुनिया भर की नई नई चीजें देखते होंगे, और जब वहां से बाहर आते हो अपनी जिंदगी में देखते हो तो कुछ नहीं है। मन किया कहीं जाने का, पर जाने के लिए बाइक ही नहीं है, और बाइक में तो पेट्रोल का पैसा नहीं है। जितना हम दिन में कमा नहीं रहे हैं उससे ज्यादा खर्च हो रहा है। रात को चैन से सो नहीं सकते, सोने से पहले रोज टेंशन होता है कि मेरा क्या होगा, और कुछ होगा भी या नहीं होगा। आपके जो पेरेंट्स हैं वो खून पसीना बहाकर काम कर रहे हैं, और वो भी सिर्फ थोड़े से पैसों के लिए, जिसमें आप सिर्फ सर्वाइव कर पा रहे हो। वो कमाने के लिए भी सुबह से रात कितना कुछ सहते हैं। कभी कभी मन नहीं करता होगा, माइंड थक जाता होगा, कई लोगों की बातें सुननी पड़ती होगी, दिमाग शरीर आगे थक जाती होगी, पूरी बॉडी थक जाती होगी, लेकिन फिर भी वो करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके हालात जो है वो उनसे करवा रहे हैं। मान लो आप किसी इवेंट में, सेमिनार में, किसी शो में, सेलिब्रेशन में, किसी पार्टी में, कहीं पर भी आप गए, वहां पर आपने देखा होगा कुछ लोगों को बहुत इज्जत मिलती है। आपके अंदर से भी आता होगा कि यार काश ये इज्जत मुझे मिले, काश मुझसे भी लोग बात कर रहे हो उधर से। सब लोग वहां पर अच्छे अच्छे कपड़े पहन कर आए, सिर्फ आप ही के कपड़े वहां पर सबसे बुरे हैं, आप ही वहां पर सबसे बुरे दिख रहे हो। तो इसे मैं अंदर से आग लगी ना कि मुझे बदलना अपने हालातों को, नहीं रहना इन हालातों में। शायद अभी लोग आपको मुंह लगाना भी पसंद ना करें, और ये चीज आपको अंदर ही अंदर हर वक्त खा रही होगी कि क्यों मुझे कोई पसंद नहीं करता, क्यों लोग मेरी वैल्यू नहीं करते। देखो, लोग आपकी वैल्यू करेंगे जब आपके पास में पैसा होगा, जब आपका नाम होगा। और एक इंसान का नाम होता है उसके काम से, इसलिए काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए। कोई अगर आपको नीचे दिखाए, आपको अपनी औकात याद दिलाए, आपका मजाक बनाए, आपको इग्नोर करे, आपकी खुशियां छीने, तो चुन चुन कर उनका नाम लिखो। और उस वक्त जो गुस्सा आता है ना, उस गुस्से को, उस एनर्जी को अपनी जिंदगी बदलने में यूज करो। बहुत लकी इंसान हो अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो, क्योंकि यही वो टाइम है जब तुम्हारे पास खोने को कुछ नहीं है, सब पाने के लिए। और जब कोई इंसान जमीन से उठकर अपने दम पर आसमान की ऊंचाई में छूता है ना, तो उसकी वैल्यू ज्यादा होती है इस दुनिया में। लोग उसे ही पसंद करते हैं जो जमीन से उठकर आसमान की ऊंचाई पर जाता है। इसलिए लकी हो तुम अगर तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो। और यही वो वक्त है जब तुम कुछ भी कर सकते हो, कितना भी बड़ा कर सकते हो, इतना कुछ पा सकते हो तुम अपनी जिंदगी में जितना दूर दूर तक किसी के पास नहीं है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त को बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। खुद से जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर एक समाना है। ख्वाहिशों का कैदी हूँ, मुझे हकीकतें सजा देती है। आसान चीजों का शौक नहीं है, मुझे मुश्किलें मजा देती है। जिंदगी मुश्किलों से भरी हुई है, हौसला हमें अपने अंदर भरना है। मुश्किलें हर इंसान पे आती है, बस कोई निखर जाता है तो कोई बिखर जाता है। एक अलग ही पहचान बनाने की आदत है मेरी, तकलीफों में भी मुस्कुराने की आदत है मेरी। और इस वीडियो के अंत में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि जिससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। तो खामोशी से मेहनत करते जाओ, क्योंकि मेहनत से एक दिन शोर होगा। याद रखना, एक दिन तुम्हारा भी दौर होगा। ऐसे ही और पावरफुल मोटिवेशनल वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। अगले वीडियो फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।